Good morning, class 3rd. Everyone, today you will open your English letter book. Chapter number 5. Name is Boastful Mosquito. Before explain this lesson, we should write difficult word meaning of this lesson. So everyone, open your English copy and note in your note copy. ठीक है, आप अपनी नोट कॉपी में इसे नोट करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग इज नाइटमेयर. NIGHT नाइट, MARE मेयर. नाइटमेयर मीन्स होता है बुरा सपना. LAIR लेयर. लेयर मीन्स होता है मान, जंगली जानवरों का, जहाँ पे जंगली जानवर रहती हैं. स्क्वैक, SQUAWK स्क्वैक. स्क्वैक मीन्स होता है पक्षी का कर्कश शब्द या ध्वनि. BUZZ बज ऑफ. बज ऑफ मीन्स होता है किसी को चले जाने के लिए कहना, गेट अवे. बोस्ट, BOAST बोस्ट. बोस्ट मीन्स होता है गर्व से कहना. सी विद प्राइड. CHOMP चॉम्प. चॉम्प मीन्स होता है तेज आवाज में चबाना. 7. इन्फ्यूरिएटेड. इन्फ्यूरिएटेड मीन्स होता है कुपित होना, गुस्सा होना किसी पर. ब्रैग्ड, BRAGGED ब्रैग. ब्रैग मीन्स डिंग, हांकना. विम्प, WIMP विम्प. विम्प मीन्स डरपोक. एंड लास्ट डिफिकल्ट वर्ड इज गिव अप. गिव अप मीन्स हार मान लेना, अपनी हार को स्वीकार कर लेना. ठीक है, तो फर्स्ट एक बार फिर से देख लेते हैं. नाइटमेयर, बुरा सपना. लेयर, मान, जंगली जानवरों का. स्क्वैक, पक्षी का कर्कश शब्द. बज ऑफ, किसी को चले जाने के लिए कहना. बूस्ट, गर्व से कहना या डिंग हाँकना, दोनों मतलब है यहाँ पर. चॉम्प, तेज आवाज़ में चबाना. इन्फ्यूरिएटेड, इन्फ्यूरिएटेड मीन्स कुपित होना, गुस्सा होना. ब्रेक्ड, डिंग हाँकना. रिम, डरपो. गिव अप, हार मान लेना. Now, this is your homework. Today, you will write difficult word meaning of chapter 5 in your note copy. Okay? Now, I am going to explain page number 31. Listen carefully. It was still early morning. It was still early morning when a violent roar shook the forest. It was still means ये है एक बहुत ही अर्ली मॉर्निंग की ही बात है. ये स्टोरी जब शुरू हो रही है तो इसमें जो है एक अर्ली मॉर्निंग की बात है कि मतलब अभी मॉर्निंग हो ही रही थी. When a violent, violent means होता है हिंसा, बहुत ही एक ऐसी आवाज़ जो एकदम सबको डरा दिया. Roar means दहाड़ना. Shook the forest, जिसने जो है पूरे जंगल को क्या किया, shook means होता हिला दिया. It was still early morning when a violent roar shook up द फॉरेस्ट. यह एक अर्ली मॉर्निंग की बात है जब एक बहुत ही शेर की, आपको पता है कि रोर किसके लिए यूज़ होता है. रोर जो होता है साउंड ऑफ लॉयन. जो शेर होता है वो बहुत तेज दहाड़ता है जिसकी वजह से पूरा जंगल जो होता है वो शूक मीन्स हिल जाता है. इन एन इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स होता है तुरंत, तभी. ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर अवेक. और तभी जो है उसी समय, इंस्टेंट मीन्स तुरंत, ऑल द एनिमल्स, सभी एनिमल्स और जो बर्ड्स थे वो क्या हो गए, अवेक. अवेक मीन्स जगना, सभी लोग क्या हो गए, जग गए. इवन मॉस्किटो हु हैड बीन स्लीपिंग इन स्क्वायरल फॉर वोक अप. इवन मॉस्किटो, यहाँ तक कि जो एक मॉस्किटो था हु हैड बीन स्लीपिंग, जो कि सो रहा था, कहाँ सो रहा था, इन स्क्वायरल्स फर, जो गिलहरी की, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी की फर में, मीन्स उसके जो बाल होते हैं उसमें वो सो रहा था, वो भी वोक अप, वो भी जग गया. क्लियर, फिर से एक बार बता रही हूँ. इट वॉज स्टिल अर्ली मॉर्निंग व्हेन अ वायलेंट रोर शुक अप द फॉरेस्ट. यह एक अर्ली मॉर्निंग की बात है जब दहाड़ने की वजह से, बहुत तेज दहाड़ने की वजह से पूरा जंगल शुक अप हिल गया. इन एन इंस्टेंट, और तभी ऑल द एनिमल्स एंड वर्ड्स वर अवेक. Even a mosquito who had been sleeping in squirrel's fur, he also woke up. वह भी जो है वो जग गया. Who's that annoying me?
कंप्लेन मॉस्किटो, मॉस्किटो जैसे ही जगता है, अनोइंग मींस होता है नाराज करना। उसने कहा कि हु इज दैट अनोइंग मी, कंप्लेन मॉस्किटो। मॉस्किटो ने कहा कि ये कौन है जिसने मुझे नाराज किया। कंप्लेन मींस होता है शिकायत करते हुए। दैट्स माइटी टाइगर सेड स्क्वायरल। तभी स्क्वायरल ने कहा, माइटी मींस यहाँ पे माइटी जो वर्ड है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, ये स्क्वायरल के लिए है, सॉरी टाइगर के लिए है। तो माइटी में शक्तिशाली स्क्वायरल बोलती है स्क्वायरल शेर कि दैट साउंड ऑफ माइटी टाइगर, यह जो साउंड है वो किसका है, यह शक्तिशाली शेर का है। ही मस्ट बी हैविंग अ नाइटमेयर। नाइटमेयर मीन्स जैसा अभी मैंने आपको बताया कि बुरा सपना, और जरूर उसने कोई बुरा सपना देखा होगा। ओह आई नो, सेड मॉस्किटो। मॉस्किटो ने कहा कि ओह मैं जानता हूँ जानता हूँ। ही इज रोरिंग फ्रॉम फ्राइट। उसने कहा कि अरे वो कोई बुरा सपना नहीं देखा होगा। ही इज रोरिंग फ्रॉम फ्राइट, मतलब वो जो दहाड़ रहा है वो किसकी वजह से, डर की वजह से। फ्राइट मीन्स डर जाना, भयभीत होकर के वो दहाड़ रहा है। ही मस्ट हैव ड्रीम अबाउट मी, ड्रीम मीन्स सपना। जरूर उसने निश्चित रूप से जो सपना देखा होगा वो मेरा सपना देखा होगा। अबाउट मीन्स मेरे बारे में उसने सपना देखा होगा जिसकी वजह से वो डर गया होगा। स्क्वायरल स्माइल, स्क्वायरल जो है स्माइल हो, उसने स्माइल किया क्योंकि वो समझ गई कि यहाँ पे जो मॉस्किटो है वो क्या कर रहा है, बूस्ट कर रहा है, वो केवल डींगे हाँक रहा है। इस वजह से वो जो उसने स्माइल किया, शी सेड यू आर नॉट फ्राइटनिंग इनफ टू स्केयर द टाइगर। इनफ मीन्स पर्याप्त, स्केयर मीन्स भयभीत करना। उसने कहा यू आर नॉट फ्राइटनिंग मीन्स तुम जो है, फ्राइटनिंग मीन्स होता है फ्राइटन, मीन्स होता है भयभीत करना, कि तुम जो है टाइगर को भयभीत करने के लिए पर्याप्त नहीं हो। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि तुम्हारी वजह से जो टाइगर है वो डर नहीं सकता है। स्केयर मीन्स भय में होना या डर जाना। आई कैन शो यू आई मे बी लिटिल देन मॉस्किटो सेड। मॉस्किटो ने कहा आई कैन शो यू, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। आई मे बी लिटिल, मैं छोटा हो सकता हूँ, बट माई स्टिंग इज एज शार्प एज अ शोर्ड, रिप्लाइड मॉस्किटो। स्टिंग मीन्स होता है उनके जिससे वो, मतलब मच्छरों से काटते हैं, मच्छर जो काटते हैं ना, तो उनके जो तेज जो स्टिंग्स होती है आगे निकली होती है जिसकी वजह से वो काटते हैं। और शार्प मीन्स तेज, शोर्ड मीन्स होता है तलवार। मॉस्किटो ने कहा कि आई कैन शो यू, मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि मेरा ही उसने सपना देखा होगा जिसकी वजह से वो डर करके और इस तरीके से वो रोर कर रहा है, और ये मैं तुम्हें शो कर सकता हूँ। मेरे जो स्टिंग है, मेरे जो तेज शार्प जो स्टिंग है, जो एज अ शोर्ड मीन्स एक जो तलवार की तरह है, और उसकी वजह से वो डर गया। स्क्वायरल मेयरली शूक हिज हैंड। मेयरली मीन्स होता है बहुत मुश्किल से, मेयरली मीन्स कंजूसी, या मतलब उस वो सहमत नहीं थी, फिर भी उसने ऐसे धीरे से हिलाया। स्क्वायरल मेयरली शूक हिज हैड, इट्स ईजी टू टॉक बिग। उसने मेयरली मीन्स धीरे से हिलाते हुए कहा कि इस ईजी टू टॉक बिग, यह एक ईजी है, बड़ी बड़ी बातें कहना ईजी है। इफ़ यू आर सो माइटी, यदि तुम माइटी हो, तुम बहुत शक्तिशाली हो। फ्लाई टू टाइगर, जाओ फ्लाई टू टाइगर एंड टेल हिम टू स्टॉप रोरिंग एंड स्केयरिंग द एनिमल इन द फॉरेस्ट। स्क्वायरल ने कहा कि यदि इफ यू आर सो माइटी, इतने तुम शक्तिशाली हो, फ्लाई टू टाइगर, गो टू टाइगर एंड सेड टू हिम टू स्टॉप रोरिंग एंड स्केयरिंग ऑल एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट। तुम जाओ और जंगल में जितने भी जानवर हैं उनको जो वो डरा रहा है, तो उसको जो है स्टॉप करो, उसको रोको कि वो रोरिंग मत करे, मत डराए, जिसकी वजह से एनिमल्स की और जो जंगल जो एनिमल्स हैं जंगल के, वो जो है भयभीत हो रहे, वो भयभीत होना बंद हो। यहाँ कहने का मतलब है कि तुम जाओ और टाइगर को मना करो कि वो दहाड़े नहीं। मॉस्किटो ब्रॉट हिज आर्म अप टू हिज साइट्स एंड डिक्लेयर्ड। मॉस्किटो ब्रॉट हिज आर्म अप, मतलब उसने जो है अपनी बाह को ऊपर, जैसे होता है ना कि जब हम लोग, बहुत से बच्चे आपने देखा होगा कि जब वो लड़ने के मूड में होते हैं तो क्या करते हैं, अपनी स्लीव्स को ऊपर करते हैं, ठीक उसी तरीके से जो मॉस्किटो है वो थोड़ा सा एटीट्यूड में आया। आने के बाद उसने अपनी बाह को ऊपर ऐसे किया और हिज साइट एंड डिक्लेयर, और उसने डिक्लेयर किया, कहा वेरी वेल, बहुत अच्छा, वॉच, देखो टाइगर विल डांस फॉर मी ऑन हिज हिंड लैग। उसने कहा कि देखो, तुम देखो, टाइगर जो है अभी डांस करेगा
अपने जो है पैरों पे खड़ा होकर के वो डांस करेगा. एंड मॉस्किटो फ्लू स्ट्रेट टू द टाइगर्स लेयर. लेयर मीन्स LAIR, लेयर मीन्स होता है मांद. और जो मॉस्किटो है उड़ा और उड़ करके सीधे टाइगर के मांद में, उसके डेन में, गुफा में पहुंचा. टाइगर वॉज स्लीप एज स्लीप विद हिज हैड ऑन हिज पा. टाइगर जो है वो सो रहा था. स्लीप मीन्स गहरी नींद में सो रहा था. विद हिज हैड, अपने हेड को कहाँ पे रख के, ऑन हिज पा, अपने जो उसके जो वो थे, क्या थे, उसके पंजे थे, उस पंजों पे अपना सिर रख करके और सो रहा था. मॉस्किटो फ्लू राइट अप टू द टाइगर स्नूज. और जब मॉस्किटो ने देखा तो वो सीधे उड़ा, फ्लाई फ्लू राइट, एकदम सीधे उड़ा और कहाँ गया, टाइगर्स नोज, और टाइगर की नोज में गया. तो आज मैंने टुडे आई हैव एक्सप्लेन पेज नंबर 31. टुडे दिस इज योर होमवर्क फॉर यू. नोट डाउन डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग एंड राइट इट इन योर नोट कॉपी. एंड आफ्टर दैट यू विल रीड पेज नंबर 31. इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, देन यू कैन कॉल मी, कंसल्ट मी. टिल देन टेक केयर.